गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे गुणा करना। तो गुणा करना क्या है? पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम गुणा कहते हैं। जोड़ना में थोड़ा जो प्रक्रिया है वो लंबा चलती है, और उसी को अगर हम गुणा के रूप में परिवर्तित कर लें तो सवाल को कम से कम समय में हल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक समान वस्तुएं अगर बराबर बराबर मात्रा में अलग अलग समूहों में हैं तो उस पर गुणा की प्रक्रिया लागू होती है, और हम आसानी से गुणा के द्वारा उसे कम समय में बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे गुणा के कुछ सवाल, और शुरुआत करेंगे हम छोटे से सवाल से, एक अंक के गुणा से, और धीरे धीरे हम चलेंगे आगे की ओर। और जब आप यह अच्छे से कर पाएंगे, गुणा को समझ पाएंगे, तो इन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो सवाल है वह है 4 गुणा 6। ठीक है, तो जो गुणा है वह हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। गुणा जो है सहचर्य नियम का पालन करता है, या सहचर्य नियम आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है सहचर्य नियम। ठीक है, यहाँ है 4 गुणा 6। अब देखिए, गुणा के लिए हमें तो पहाड़ा याद होना चाहिए, तो अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 तक पढ़ना होगा। ठीक है, तो भी आंसर आपको उतना ही मिलेगा, और अगर आप 6 का पढ़ना चाहें तो भी अच्छी बात है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इतना तक पढ़ना पड़ेगा, 4 तक। ठीक है, जैसे देखिए, 4 का पहाड़ा हम 6 तक पढ़ते हैं, 4 6 का 24। ठीक है, या देखिए 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़कर देखिए, 6 चौक 24। तो आप अगर 4 का पढ़ेंगे 6 तक तो भी आपको 24 मिलेगा, और अगर आप 6 का पढ़ते हैं 4 चौक 4 तक तो भी आपको 24 मिलेगा। तो इसे कहते हैं सहचर्य नियम। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा सवाल, अक्सर हम दाईं ओर की संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो हम 8 का 2 तक पढ़ लेते हैं, 8 2 16, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। वैसा ही 9 3 27, इस तरह से 5 चौक 20 और 8 0 0। याद रखिए, किसी भी संख्या में अगर हम शून्य का गुणा करें या शून्य का किसी संख्या के साथ गुणा करें तो हमेशा शून्य होगा। उसके लिए आपको किसी तरह की मेहनत करने की, सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं, 9 3 27। तो ये जो सवाल थे एकदम से सरल से सवाल थे, और इन सवालों को आपने क्लास 2 में देखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इस तरह के सवालों की ओर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 2 अंक की जो संख्या है उसमें 1 अंक की संख्या का गुणा। अब यहाँ देखिए, आप सहचर्य नियम तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 45 का पहाड़ा याद हो तब ना। लेकिन हम जानते हैं हमें 5 का पहाड़ा याद है, तो 5 का पहाड़ा हमें 45 तक पढ़ना है, वो भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पंचे तक और चौक तक अगर याद है तो इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? 5 का पहाड़ा हम पंचे तक पढ़ेंगे, 5 5 25। ठीक, 25 की इकाई में 5 है तो उसे हम यहां ले आए और हमारे पास बच गया 2। 2 रखे रहिए, कहाँ जोड़ना है मैं बताऊंगा। अब 5 का चौक तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 चौक 20, और जो 20 आया गुणनफल उसी में इस 2 को जोड़ना है, तो 20 और 2 22। कभी कभी हम क्या करते हैं, 5 5 25 की 5 और इस 2 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हम 5 का चौक तक ना पढ़ के 4 और 2 6 6 तक पढ़ लेते हैं, तो फिर वहां सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको 2 को नहीं लिखना है, आप इधर लिखे रहिए और याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह का एक दूसरा सवाल है, 6 का 3 तक पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 3 18। 18 का यहाँ 8 लिखेंगे इकाई में जो है, और 8 को मिटा देते हैं, 1 हमारे पास है। अब 6 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 6 7 42, और उस 42 में 1 जोड़िए तो 42 और 1 हो जाता है 43। क्योंकि इधर और कोई संख्या नहीं है इसलिए पूरा पूरा हम 43 लिख लेते हैं। तो यह तो हो गया 2 अंकों की संख्या के साथ 1 अंक की संख्या का गुणा। अब
और आगे हम चलते हैं और यहां देखते हैं, दोनों साइड दो दो अंक की संख्या है, 49 गुणा 23। अब मैं अपना बता दूं, ना तो मुझे 49 का पहाड़ा याद है और ना ही मुझे 23 का पहाड़ा याद है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 और 2 के पहाड़े याद हैं तो आप इस सवाल को बेहद आसान तरीके से इसी तरह हल कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले इकाई, आप देख लीजिए 3 जो है इकाई है, तो वह केवल 3 है, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा हम इन दोनों के लिए पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ किया, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा 3 × 27, 27 की यहाँ लिखेंगे 7 और 2 बज गए हमारे पास। फिर 3 का पहाड़ा चौक तक, 3 × 4 12 और 12 में 2 जोड़ते हैं तो वह हो गया 14, ठीक है। ये तो हो गया 3 का, हमने 4 और 9 के लिए पहाड़ा पढ़ लिया। अब हमारे पास है 2, तो याद रखिए यह जो 2 है वह 2 दहाई है और 2 दहाई होता है 20। अब 20 का पहाड़ा पढ़ना होगा तो भी सही है। अगर आपको 20 का पहाड़ा याद नहीं है तो 2 का पहाड़ा पढ़ना सबसे आसान होगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ने के पहले इस 20 में जो 0 है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं, 2 × 18, 18 का यहाँ 8 और बच गया 1। फिर 2 का 4 के लिए, 2 × 8 और 1 9, तो यह हो गया इतना। फिर इसे हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए 7, फिर 4 × 8 12 की 2 हासिल 1 और 9 × 10 = 11, तो उत्तर मिला हमें 1127। तो यह हमें करना है। एक दूसरा सवाल ले लें, यहाँ भी हमें वही करना है। 64 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं, पर हम 6 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा जानते हैं तो इस सवाल को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलो देखते हैं। तो 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 4 × 7 = 28। एक बार इधर लिख ही लीजिए, 28 की यहाँ लिखेंगे 8 और हमारे पास बच गए 2। फिर 4 का पहाड़ा 5 तक, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, तो यह हो गया 228। अब चूंकि यह 4 था केवल, तो अब यह 6 दहाई है और 6 दहाई होता है 60, तो हम 60 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, 60 के शून्य को यहाँ उतार लेते हैं और अब हमें पढ़ना है 6 का पहाड़ा। तो 6 × 7 = 42, तो 42 की यहाँ लिखेंगे 2, बच गए हमारे पास 4, तो 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 34, या ठीक है। तो जोड़ लीजिए 8 + 4 = 6 = 3, तो यह हो गया इस सवाल का हल। अब देखिए यहाँ, यहाँ 3 अंक की संख्या के साथ 2 अंक की संख्या का गुणा है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी हमें वही करना है, 5 इकाई है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 × 2 = 10, 10 के यहाँ 0 और 1 बच गए। फिर 5 × 6 तक, 5 × 6 = 31, 30 × 1 = 31, 31 की यहाँ लिखेंगे 1 और बच गए 3। फिर 5 का पहाड़ा 5 के लिए, 5 × 5 = 25 और 25 × 3 = 28, यह हो गया, ठीक है। अब हमें 3 दहाई का पढ़ना है तो यह हो जाएगा 30, ठीक है। 30 का पहाड़ा ना पढ़ना पड़े इसके लिए हम इस शून्य को यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, 3 × 6 यहाँ लिखिए, 3 × 6 = 18, 18 का यहाँ 8 और बच गया 1। फिर 3 का 5 के लिए, 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 16, अब इसको जोड़ लेंगे तो यह हो गया 0, यह हो गया 7, यह 8 × 8 = 16 की 6 हासिल 1 और यह हो गया 9 और यह हो गया 1, 19,670। और इस सवाल को, इस सवाल का जवाब आप दीजिए, ठीक है। तो जब भी हमें गुणा करना होगा, गुणा कितना भी बड़ा हो, कम से कम आपको 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े अगर याद हैं
तो आप गुणा के किसी भी तरह के बड़े से बड़े सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, जैसे 562 में हमें 35 का गुणा करना है, 35 का पहाड़ा तो याद नहीं है, पर 1 से 9 तक के पहाड़े में 3 और 5 का पहाड़ा तो होगा बीच में। अगर हमें 3 और 5 का पहाड़ा याद है और यह जो तरीका है वो याद है, तो हम किसी भी बड़े से बड़े गुणा के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ गया हूँ, कुछ और सवाल आप लीजिए, मन से बनाइए, मम्मी पापा से पूछ कर बनाइए और उन सवालों को हल कीजिए। कल हम और इसी क्लास में मिलेंगे।